नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने के बाद सबसे ज़्यादा जो बच्चे परेशान हैं, दो तीन प्रश्न उनके दिमाग में घूम रहा है। एक तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, एक अगर कॉम्बिनेशन पता चल जाए आप एलिजिबल हो तो तैयारी कैसे शुरू करें, विषय जब आप चुन लेते हो तो उसके लिए रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, कोचिंग कौन सी होनी चाहिए, टेस्ट पेपर्स कौन से होने चाहिए, तमाम टीचर कौन सा अच्छा है, तमाम ये चीज़ें आपके दिमाग में रहती है, आप रिसर्च करते रहते हो, बहुत सारा समय उसमें गंवाते हो। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब आप तैयारी शुरू कर देते हो तो रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए और सबसे ज़्यादा कहाँ से आएगा। इस पूरे वीडियो में इन तमाम क्वेश्चन को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। उम्मीद है कि मैथ्स सब्जेक्ट को लेके आपके जितने भी भ्रम हैं, जितनी भी उत्थाएँ हैं, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आज आपको मैं यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तमाम ऐसी वीडियोज जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के लिए। मैथ्स विषय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ मैं खुद बीटेक और उसके बाद एमटेक एआई ट्रिपल ई रैंक कर रहा हूँ और उसके बाद कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पे मैं मैथ्स लेके आया हूँ। एक जो मैं सबसे ज़्यादा बच्चे जितने भी हमसे जुड़े हैं सबसे ज़्यादा क्वेरी ये रहती है, सबसे ज़्यादा बच्चे हमसे बोलते रहते हैं सर मैथ्स समझ में नहीं आती, मैथ्स का कोई टीचर अच्छा नहीं है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो आपका सिलेबस है वो पूर्णतया हिंदी में है, लेकिन जब आप हायर एजुकेशन करते हो तो वो इंग्लिश में रहता है सिलेबस। और आप कहीं ना कहीं जब आप हिंदी माध्यम की तरफ करते हो तो हिंदी माध्यम में कोई किताबें अच्छी नहीं मिलती हैं, ये भी बड़ी बात है। तो आज के इस सेशन में किताबें आपकी कौन सी होनी चाहिए, कोचिंग आपकी कौन सी होनी चाहिए, कौन सा टीचर आपका अच्छा है, कौन से कम बजट में आप अपनी तैयारी कर सकते हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तमाम रणनीति, तमाम चीज़ों का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सर्वप्रथम हम लोग सिलेबस पे आते हैं और स्टार्ट करेंगे टीजीटी को लेके। तमाम बैचेस टीजीटी पीजीटी के चल रहे हैं परीक्षा प्लस संस्थान पे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि परीक्षा प्लस संस्थान एक ऐसा संस्थान है जो उच्चतम गुणवत्ता न्यूनतम फीस में देता है। आप कितने भी किसी भी चैनल किसी भी जाके संस्थान से जुड़ के आ जाइए, जो आप 5-6 हज़ार में कोर्स जुड़ेंगे उस पैसे में भी आपको परीक्षा प्लस का 25% भी क्वालिटी नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। हालांकि ये सारे जिक्र हम लोग करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आते हैं यहाँ पे जो आपके सामने ये मैं लेके आया हूँ टीजीटी का सिलेबस। सिलेबस आपका हिंदी में है, लेकिन सिलेबस से ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होता है ट्रेंड एनालिसिस। मैं देखा हूँ कि कोई भी संस्थान, कोई भी ऐसा नहीं, सब लोग अपना कोर्स बेचने में लगे होते हैं। नो डाउट, देखिए कहीं ना कहीं अगर संस्थान चला रहे हैं तो हर संस्थान कोई बुरा नहीं होता है, अगर आप फीस नहीं दोगे जुड़ोगे नहीं तो उनका वो नहीं चलेगा। बट सबसे बड़ी कमी जो मैं देख रहा हूँ कि जो बच्चों को चाहिए एक ट्रेंड एनालिसिस होनी चाहिए, कहाँ से क्या टॉपिक जरूरी है, कौन सा पार्ट जरूरी है और किससे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये कोई ना बताता है, क्योंकि मैं जानता हूँ उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट, बहुत ही ज़्यादा एनालिसिस, टेक्निकल माइंड, आपका बैकग्राउंड ही कहीं ना कहीं लिटरली बीटेक और एमटेक वाला होना चाहिए, वरना आप ये चीज़ नहीं कर पाओगे। और उसके बावजूद फिर आप केवल पढ़ाना शुरू कर देते हो जो पुरानी बात है। अब अगर जाओगे कहीं बुक स्टोर पे किताबें देखोगे तो किताबें भी अभी नई नहीं आई हैं, और जो किताबें मिलेंगी वो प्रीवियस मिलेंगी, प्रीवियस ईयर में भी केवल 2016 तक का मिलेगा। और उन्हों भी ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये यूथ कंपटीशन की किताब है, लेकिन इतनी इन्होंने केवल क्वेश्चंस रख दिया है। और मैं आपको बता दूँ इस किताब की एक बहुत बड़ी कमी ये भी है कि जिस चैप्टर में जितने क्वेश्चन होने चाहिए वो सारे क्वेश्चंस में पुट नहीं किए हैं। उसके बाद इन किताब के राइटर होते नहीं हैं, ऐसे 4,000-5,000 रुपए में पार्ट टाइम जॉब करने वाले बच्चों को ये उठा लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन रियल एनालिसिस में डाल रहे हैं, डिफरेंशियल का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में डाल रहे हैं, मतलब इन्हें पता ही नहीं है कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में अंतर क्या है, सेट थ्योरियल ग्रुप में अंतर क्या है, कुछ नहीं पता है, बस इधर उधर के क्वेश्चन डाल रहे हैं। हालांकि किताब अगर आपको क्वेश्चन बल्क चाहिए तो ये किताब आप ले सकते हो, आप घटनाचक्र भी ले सकते हो, लेकिन किताबों की बात हम बाद में करेंगे। आते हैं सबसे पहले हम सिलेबस पे, और सिलेबस मोटा मोटा मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जैसे वाणिज्य गणित है जो कॉमर्शियल मैथ है ना, जिसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, समय चाल हिंदी में तो आप पढ़ लेते हो, मैं अंग्रेजी में बोल दे रहा हूँ टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, सीआई हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपका, और उसके बाद फिर बैंकिंग हो गया, टैक्सेशन कराधान हो गया, प्रारंभिक नियमों का प्रवाह मतलब कि जो बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है उससे क्वेश्चन बन जाते हैं, सांख्यिकी में आपका बारंबारता बंटन मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सांख्यिकी आंकड़ों का आलेखी निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो होता है आपका ग्राफिकल मेथड से, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे जो सेंट्रल टेंडेंसीज होती हैं, विक्षेपण की मापे जो डिस्पर्सन वगैरह होता है, और मृत जन्म मृत सांख्यिकी सूचकांक ये डेथ और जो बर्थ होता है उसका एक टेबुलेशन पे क्वेश्चन बनता है। हालांकि ये केवल टॉपिक लिखा हुआ है, इस पे अभी तक ना क्वेश्चन बना है ना पूछा जाता है ना ही सूचकांक पे पूछा जाता है। बीज गणित
और यही मैं आपको इस सेशन में बताने आया हूँ, 5 मिनट 7 मिनट आपकी ये वीडियो लंबी ज़्यादा हो सकती है, हालांकि मैं 15 से 17 मिनट में आपकी सारी बात फिनिश करने का प्रयास करूंगा, लेकिन फिर भी अगर 5-7 मिनट अलग चले जाए तो धैर्य बना के आप पूरा से देखिएगा सुनिएगा, क्योंकि इस बात का मैं दावा कर रहा हूँ कि ऐसी वीडियो ना अभी तक आपको यूट्यूब पे ना किसी संस्थान में मिलेगी, ना मिली है ना आगे मिलेगी, इस बात का भी मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये आप चाहे 1 साल बाद तक भी देख लीजिएगा, जो बातें मैं बोलता हूँ कहीं ना कहीं सत्य बोलता हूँ। तो ये इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बारंबारता बंटन से बने हैं, सांख्यिकी आंकड़ों के आलेखीय निरूपण से बने हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे विक्षेपण के मापे से क्वेश्चन बने हैं। कुछ चीजें मैं बता दूं, जैसे वाणिज्य गणित और टीजीटी की बात करूं तो 8 से 9 क्वेश्चन आपका प्रत्येक वर्ष इसमें बनता है, ये कंफर्म बात है। उसके बाद सांख्यिकी की बात करूं तो बहुत ज्यादा नहीं बनता है, 2 से 3 किसी वर्ष, 3 से 4-5 पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना 2 ही से 3 पूछता है। बीज गणित आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं और इनमें प्रश्नों की संख्या 12 से 15 भी होती है, काफी संख्या में पूछा जाता है। और यही नहीं, बीज गणित आपके टीजीटी में नहीं पीजीटी में भी पूछा जाता है, और टीजीटी पीजीटी यूपी की नहीं, आप डीएसएसबी देख लोगे, आप जीआईसी देख लोगे, आप कोई भी परीक्षा देख लोगे, बीज गणित हो गया, कुछ चैप्टर है जैसे आपका अलजेब्रा हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया जिसमें 3D और 2D वेक्टर स्पेस वाले जो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस होते हैं, वेक्टर एनालिसिस हो गया, और आपका कैलकुलस हो गया, कैलकुलेशन में खासकर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जो अवकलन आपके होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। तो ऐसे ही एक बीज गणित है जिसमें आपका कर्णी मतलब सरणस हो गया, बहुपद और उनके गुणनखंड पॉलिनोमियल्स हो गया, और उनके फैक्टराइजेशन हो गया, इसमें जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके एलसीएम से भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यहाँ पे आपका टॉपिक दिया हुआ है। 1 घातीय 3 घातीय राशियों का युगपत समीकरण, द्विघात बहुपद के गुणनखंड, जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। द्विघात समीकरण हो गया, अनुपात व समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन आपका अलजेब्रा का टॉपिक नहीं है, कायदे से आपका यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यूपी टीजीटी पीजीटी पीजीटी का सिलेबस तो भी थोड़ा सिमेट्रिक है, बैलेंस्ड है। यूपी टीजीटी का सिलेबस बनाने वाला जो भी आयोग है, मैं बताऊंगा, आपका भांग खाया हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि कौन से टॉपिक कहाँ पे रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो मेंशन कहीं कर दिया है तो आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। भले अनुपात समानुपात आपका अलजेब्रा में है, कभी दिमाग में नहीं आता कि अनुपात समानुपात हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे, बट वो आपका कहीं ना कहीं वाणिज्य गणित में ही आता है और वहां पे हम लोग पढ़ लेंगे अनुपात और समानुपात का। संख्या पद्धति, समुच्चय सक्रियण और प्रतिचित्रण, ये संख्या पद्धति भी आपका वाणिज्य गणित इसमें आना चाहिए, अलजेब्रा का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी दे दिया तो सब मिला के अभी अनुपात समानुपात और संख्या पद्धति भी जोड़ लिया जाए तो इसकी संख्या जो हो जाती है वो 18 से भी ज्यादा हो जाती है, ये बात आप समझिएगा। सारणिक हो गया, मतलब कि आपका जो है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को मिला लिया जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन हर बार टीजीटी में पूछते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। इसने केवल सारणिक लिख दिया है, लेकिन सारणिक में ही इसमें क्या है, डिटरमिनेंट भी है, जैसे परिभाषा उससे पूछ लेगा, उपसारणिक एवं शाखंड उससे पूछ लेगा, 3x3 का मैट्रिक्स पूछ लेगा, है ना, और उसके बाद डिटरमिनेंट पूछ लेगा, गुणोत्तर, और यहां तक आपका केवल ये है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ के बाद अगर आप देखोगे प्रत्येक अव्यवाभ्य होता है, डिटरमिनेंट होता है, और जो सारणिक होता है मैट्रिक्स होता है। सहायता से 3 अज्ञात राशियों के युगपत समीकरण का हल, मतलब 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का इक्वेशन दे देगा, उससे आपके मैट्रिक्स की सहायता से पूछता है कि इसमें उत्तर क्या आएगा। हालांकि जब ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे भी लगा सकते हो, मैट्रिक्स पे भी लगा सकते हो, उसके अलग अलग फॉर्मूले वो आप चाहे अलजेब्रा से लगा सकते हो चाहे मैट्रिक्स से लगा सकते हो, ये डिफाइन नहीं होता, क्वेश्चन उसके लगाने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेंशन किया है तो आंसर निकालने की बात है, आप कैसे भी निकाल सकते हो। उसके बाद आता है समीकरण सिद्धांत, मूलों की सम्मित फलन, अंक गणितीय गुणोत्तर श्रेणी हरात्मक, एपी जीपी एचपी। अब यहां से जो टॉपिक है कायदे से, ये टॉपिक जो आपकी है ये आपके मैट्रिक्स की टॉपिक नहीं, ये अलग टॉपिक है, पीजीटी में इसने अलग इस टॉपिक को दिया है, लेकिन इन्होंने महोदय ने क्या कर दिया है, मैट्रिक्स पे डाल दिया। फिर भी आपका एपी जीपी एचपी और एजीपी 4 श्रेणियां होती हैं, अल्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और अल्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसकी मिक्स श्रेणी होती है, इस पे क्वेश्चन पूछता है, और आपके स्क्वायर और क्यूब के सीरीज पे, जैसे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इस पे क्वेश्चन पूछता है। यहां से भी अगर आप सारणिक डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से मिला लोगे तो आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिलेगा, और आपका ये अंकगणितीय एपी जीपी एचपी से सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपका क्रमचय संचय से टीजीटी में 1-2 क्वेश्चन पूछता है, और आपका यहीं पे आपका प्रायिकता भी है और उसके सिद्धांत भी है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से पूछता है, प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी हो गया। उसके बाद समुच्चय सिद्धांत मतलब सेट थ्योरी आ जाता है, और इसी में ग्रुप आ जाता है, तो इसमें आपके 6 से 7 क्वेश्चन हर बार पूछता है, सेट थ्योरी और ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन होता है। उसके बाद वास्तविक विश्लेषण, इसका मतलब होता है रियल एनालिसिस, इस ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें आपका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे वास्तविक संख्याओं का अभिवृत्तियां, समुच्चयों की गणितीय दूरी है ना, विवृत्त समुच्च, संवत समुच्च, व्युत्पन्न समुच्च, सघन समुच्च, परिपूर्ण समुच्च, बलजुन का विस्टास का प्रमेय थ्योरम जो उसे पूछता है, अन्य समान जो उनके
जो थ्योरम है वहां से पूछता है, और इसके अलावा ही अनुक्रम, अनुक्रम की सीमा, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी भी रियल एनालिसिस में इन्होंने डाल दिया है, जबकि लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी फंक्शन का चैप्टर है, रियल एनालिसिस का चैप्टर नहीं है। बट आपको यह मान के चलना है कि आपको एक फंक्शन अलग से चैप्टर पढ़ते हुए चलना है, जो आपके पीजीटी में तो अलग से लिखा हुआ है, कलन वहां पे लिखा हुआ है, बट इन्होंने ये पूरी टॉपिक जो फंक्शन की टॉपिक है ये रियल एनालिसिस में डाल दिए, जबकि रियल एनालिसिस कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी को लेकर चलता है, लिमिट को लेकर चलता है, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस को लेकर चलता है, और कायदे से लिमिट और कॉन्टिन्यूटी फंक्शन का ही पार्ट आता है। तो जैसे आप क्या, ये हो गया कॉसी का नियम, हो गया लिमिट सीमा संबंधी कॉसी प्रमेय, है ना, कॉसी का जो लिमिट का नियम है, फलनों की सीमा हो गया, वाम पक्ष मतलब लेफ्ट और राइट का पूछ लिया, फलन का सतत कंटिन्यूटी पूछ लिया किसी फंक्शन का, सतत फलनों की विशेषताएं पूछ लिया, असतत इनकंटीन्यूअस जो होते हैं और इसके प्रकार पूछ लेता है। और यहां से भी आपको देखा जाए तो फंक्शन से 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं और रियल एनालिसिस से 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। अभी आप किसी किताब में देखोगे, जैसे यूथ वगैरह में देखोगे, तो उन्हें पता ही नहीं चला है कि रियल एनालिसिस का चैप्टर कौन सा है, इसका कौन सा चैप्टर है, तो वो केवल बताएंगे कि 0 क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछा गया, 3 क्वेश्चन पूछा गया, जबकि अगर हम पूरा मिला लें तो इससे 8 से 10 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष आपको देखा गया है। अभी हम ट्रेंड एनालिसिस में देखेंगे, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और इनवर्स रेशियो दोनों से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग सारे उसमें प्रॉपर्टी यूज पे हर साल कुछ ना कुछ नया पूछा जाता है, बहुत अच्छा है, काफी अच्छे क्वेश्चन है, 6 से 7 क्वेश्चन संख्या में पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट देख लें तो यहां पे आपका आता है सममित संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपका टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 क्वेश्चन यहां से होता है। उसके बाद ये बोलिक फलन कोई टॉपिक नहीं है, ये यहीं पे लिखा था हाइपरबोलिक लिखना, हाइपरबोलिक लिखना था, वो नीचे आ जाता है, पता नहीं कैसे वो लोग बनाए हैं, वहां से सीधा इंटर मारे होंगे उसके बाद इसे पॉइंट बना दिए, उसके बाद वो कभी देखते भी नहीं है, जबकि ये पूरा और ये हाइपरबोलिक जो फलन है वास्तविक का, ये कायदे से कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं है, ये कायदे से आपका 3D का है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, बात समझ में आ रहा है, उसमें आपके टेंजेंट, नॉर्मल, कर्व, सरफेस एरिया और आपका सब कुछ पूछता है, वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, जिसे आप लोग 3D ज्योमेट्री में भी कहीं ना कहीं सरफेस ज्योमेट्री में भी चीजों को पढ़ते हो। ज्यामिति में आपका ट्रायंगल हो गया, पाइथागोरस हो गया, सर्कल हो गया, आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, जीवा वृत्त, स्पर्श रेखा, टेंजेंट, है ना, एकांतर वृत्त खंड, मतलब जो माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट होते हैं, जीवा के खंड जो होते हैं उनसे निर्मित आयत, रेखीय व समतल आकृतियों का समरूपता, यहाँ पे आपके सिमिलरिटी पूछता है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला लो तो 30 क्वेश्चन, 125 में से लगभग 30 क्वेश्चन आपके इन्हीं दो टॉपिक से पूछ लिया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपका हाइपरबोला हो गया, आपका पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, और इनके सारे इक्वेशंस होते हैं, उन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। उसके बाद इसी में आपका टेंजेंट और नॉर्मल हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया, समकोण के किसी बिंदु का अविलंब व समीकरण, स्पर्श करने का अथवा अविलंब, तो इसका मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों कन्वर्जन आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम लिंक जुड़ी हुई है, आप वहां से जुड़ जाइए। कलन अवकलन यहाँ पे आपका समकलन अवकलन होना चाहिए, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन, और इन्होंने अलग नहीं किया है, लेकिन अभी आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे समकलन खंडशा तथा प्रतिस्थापन के समाकलन, आंशिक भिन्नों की सहायता से समाकलन, निश्चित समाकलन व इसके प्रयोग, समकलन वक्रों का अंतर क्षेत्रफल, वेलन शंकु, ये उसका एरिया बाउंडेड अंतर इंटीग्रेशन से पूछता है। समीकरण अवकलन है ना, ये जो अवकलन समीकरण है यहाँ से कोटि और घात पूछता है, ये आपका होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, इंग्लिश में बोलते हैं आप लोग, इंग्लिश वाले जान लो, डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि आप देखो तो ये इसी में कलन अवकलन में दे दिया, बट थोड़ी सी हटके टॉपिक है, और किसी वर्ष इसमें बहुत ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी आपका ये आ गया सदिश विश्लेषण, मतलब विकी वेक्टर एनालिसिस, यहाँ पे इस वेक्टर प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, कई बार फंक्शन से क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है, ठीक है ना। स्थिति विज्ञान मतलब कि स्टैटिक और डायनेमिक से भी क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछता है, स्थिति मतलब कि आपका स्टैटिक हो गया और यहाँ पे आपका डायनेमिक हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम पूरे सिलेबस को देखें तो ये कुछ 10th पार्ट, उसके बाद कुछ 12th पार्ट, उसके बाद कुछ ग्रेजुएशन वाले पार्ट का बनता है। अगर कोई ऐसा कहता है तो मैं ये बोलूंगा कि वो बिल्कुल गलत कहता है। आप ये मान के तैयारी मत करो कि हम 10th का पढ़ लें, हम 12th का पढ़ लें, हम ग्रेजुएशन का पढ़ लें, नहीं, आप टॉपिक देख के तैयारी करो, और टॉपिक कौन सी किताब में मिलेगा ये मैं आपको बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि कुछ हम लोग पढ़ें देखें, उससे पहले ये मैं आपके सामने ट्रेंड एनालिसिस लेके आया हूँ, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में निःशुल्क आपको दे दूंगा, आप वहाँ से आप अच्छे से देख सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं 4 वर्षों का विश्लेषण किया हूँ, उसके बाद 2022 में एक्सपेक्टेड कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, ये परीक्षा प्लस के टीम के द्वारा जो एक बहुत अच्छी एनालिसिस की गई है वो आपसे दिया गया है। अब वाणिज्य गणित जिसकी मैं बात किया है ना, वाणिज्य गणित को आप अच्छे से देखोगे, ठीक है, वाणिज्य गणित को आप अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे 2021 में ही करीबन
आठ क्वेश्चन पूछा गया 2016 में भी, आठ क्वेश्चन पूछा गया 13 में भी, सात पूछा गया 11 में, पांच ही पूछा गया था। तो आप एक देख सकते हो आठ सात क्वेश्चन यहाँ पे कम से कम पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। स्टेटिस्टिक में 7, 4, 2, 6 इसमें वेरिएबल ज्यादा है, लेकिन 4 से 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीस गणित एलजेब्रा का जैसे मैंने बताया था 8, 10, 13, 11, तो 10 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे बनते हैं, 10 से 11 क्वेश्चन बीस गणित के बनेंगे। अब यहाँ पे एक जो सारणिक वाला पार्ट था, सारणिक में ही ये इतने चैप्टर इंक्लूडेड हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट एपीजीपी एचपी और नंबर सीरीज स्क्वायर और क्यूब का है, पीएनसी मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब क्रमचय और क्रमचय संचय जिसे बोलते हो, बाइनोमियल मतलब क्या हो गया द्विपद प्रमेय पूछ लिया, ईएक्स और लॉग एक्स एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का सीरीज पूछ लेता है इनफाइनाइट सीरीज से, और प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो दो टॉपिक है, एक आपका मैट्रिक्स और एपीजीपी। आप देखिए प्रत्येक वर्ष 4, 6, 10 क्वेश्चन, 4, 5, 4 ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, बाकी सबसे एक एक क्वेश्चन पूछा गया है या एक दो, तो बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएनसी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी और ये सीरीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब अगर इस सारणिक वाले चैप्टर को देखा जाए तो केवल दो पार्ट, एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पढ़ लो, एक एपीजीपी एचपी सीरीज पढ़ लो, और वो भी इसमें आपको सारे सीरीज नहीं, केवल एपीजीपी पढ़ लो अच्छे से, एचपी ना भी उतना पढ़ोगे, हालांकि पढ़ना तो सब पड़ेगा क्योंकि सिलेक्शन लेना है, वैकेंसी भी कम है, तो मैं बताऊंगा भी कैसे पढ़ना है, छोड़ आप कुछ नहीं सकते हो। यानी कि अगर आप इतना करोगे तो आपके 14, 15, मतलब 10, 12 क्वेश्चन यहां से सिक्योर हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि टीजीटी पीजीटी पेपर निकालना बहुत आसान है। अगर कोई नौकरी आसान लेना है तो सबसे ज्यादा आसान क्या है, सबसे ज्यादा आसान टीजीटी पीजीटी है। क्यों है? क्योंकि आप अगर देखो, ये कोई बताता नहीं, केवल 3-4 चैप्टर देखो, आप एलजेब्रा देख लो, आप ये देख लो अल्थमेटिक बेसिक एलजेब्रा देख लो, उसके बाद आपका सारणिक देख लो, फिर अगर आप देखो तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसे देख लो, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री देख लो, ठीक है, और हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, और आपका इतना अगर कर लोगे तो 20, 10, 30 और करीबन 10, 40, 40 और 10, 50 क्वेश्चन, मतलब 3-5 चैप्टर से केवल आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। और इसके बाद एक बड़ा चैप्टर बचता है कैलकुलस, जिसमें कौन कौन सा है, ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर मैं इन तीनों की बात करूं, ये तीन जो है, ठीक है, इन तीनों को अगर देखा जाए तो ऑन एवरेज क्षेत्रिक 18 से 20 क्वेश्चन आपका ये भी कवर करता है, इस चीज को ध्यान देना। तो 50, 20, 70 क्वेश्चन आप केवल 5 से 7 चैप्टर कर सकते हो, बाकी सारे चैप्टर आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको केवल, जैसे क्या होता है जब आप सिलेक्शन लेना होता है तो पहली बात होता है कि आप कट ऑफ तक पहुंचो, ये दो फेज में आप तोड़ो, पहले कट ऑफ तक पहुंचो, और जब कट ऑफ तक पहुंच जाओ उसके बाद आप कितना मेरिट में ऊपर जाते हो। तो अगर मैं आपको विश्लेषण करूं, ये आप देखो, मैं अभी आता हूं फिर से ट्रेंड एनालिसिस पे, ये हमारी किताब आ रही है, ठीक है ना, टीजीटी पीजीटी की मैथ्स आ रही है, बहुत जबरदस्त किताब है, इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स भी लेंगे, थ्योरी भी लेंगे, और ये स्पेशली टीजीटी और पीजीटी मैथ्स के लिए बनाई जा रही है। टीजीटी मैथ्स की अलग किताब होगी, पीजीटी मैथ्स की अलग किताब होगी, मैं आपको उसे दिखाऊंगा, और बस अंतर इतना होगा थ्योरी लगभग थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी 90% थ्योरी सेम होगी, शॉर्ट ट्रिक्स लगभग सेम होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसकी एनालिसिस थोड़ा अलग होगी, इसलिए दोनों किताबें अलग अलग टीजीटी और पीजीटी की होंगी, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ये परीक्षा प्रश्न के द्वारा किताब निकाल जा रही, बहुत अच्छी किताब है, इसे आप लीजिएगा जरूर, और आपको कोर्स में भी ये प्रोवाइड किया जाएगा। कोर्स की बात करूं तो कोर्स केवल अभी तक देखा जाए किसी भी संस्थान से सबसे ज्यादा 899 में, आप कोई भी सब्जेक्ट लो, मैथ्स लो, इंग्लिश लो, हिंदी लो, सामाजिक विज्ञान का कोई विषय लो, साइंस लो, साइंस का फिजिक्स केमिस्ट्री टीजीटी में दोनों मिला के 899 है, लोग 4,000-5,000 में बेच रहे हैं, आप सोच सकते हो 20% केवल फीस उन लोग का है। वो लोग सबसे पहले फीस रखेंगे 10,000, उसके बाद बोलेंगे कि हम 60% डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके बाद 4,000 में आपको देंगे। परीक्षा प्रश्न बोलता है कि कोई डिस्काउंट नहीं, सीधा 899 में ले जाओ। हम भाई बेवकूफ बच्चों को बेवकूफ बनाना मेरा धर्म ही नहीं है, अगर मैं बच्चों को बेवकूफ बनाऊंगा तो मुझसे बड़ा अधर्मी भी कोई नहीं है, इस बात का भी आप चीजों को समझते हुए चलना। खैर, हाँ, मैं आपको ये ट्रेंड एनालिसिस बता रहा था, एक कट ऑफ का था यहां पे शायद लगा नहीं है, चलिए मैं आपको बता दूंगा कि एक कट ऑफ अगर यहां पे देखा जाए, हाँ इसको देखते हैं, अगर यहां पे देखें तो अगर आप 2016 में देखो या 2019 में देखो, हम ज्यादा पीछे ना जाएं, 2019 में करीबन आपके 90-92 क्वेश्चन गए थे, है ना, कितने गए थे आपके 88 क्वेश्चन लगभग गए थे बालक वर्ग के, है ना, और बालिका वर्ग के 84 क्वेश्चन गए थे लगभग 2021 में गए थे, और अगर 2016 में देखो तो ऐसे आपका लगभग 90 क्वेश्चन, 88-90 क्वेश्चन, एग्जैक्ट मुझे क्लियर नहीं है, मैं उसको पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना, मैं नोट किया था, शायद यहाँ पे पीडीएफ आ नहीं पाई है, फिर मैं आपको दिखा देता जो बालक और बालिका वर्ग होते हैं, तो उसमें 90 क्वेश्चन था। मतलब अगर आप देखो, हालांकि एक वर्ष 2016 में आपके पास करीबन 1800 वैकेंसी थी, और मैथ्स में 1100 वैकेंसी मैथ्स में थी 2016 में, और 2021 में करीबन 1800 वैकेंसी,
वैकेंसी थी, इस बार जो वैकेंसी है वो अंडर 500 सब है, तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा, मतलब ये लगभग 100 को छुएगा, 95 से लेके 100 के बीच में कट ऑफ इस बार जाएगा, इतना मैं आपको बताता हूँ, अगर पेपर जैसे अभी तक पूछता आया है वैसे पूछेगा। लेकिन इस 95 को अभी पार करने पहुंचने के लिए आप ये देख पा रहे हो कि 70 क्वेश्चन है ना, 70 क्वेश्चन आप मात्र कितने 7 टॉपिक से कवर कर रहे हो, और अगर 95 भी जाता है तो आपको 25 क्वेश्चन और करने हैं। अब आप अपना मनपसंद कोई भी टॉपिक उठा लो, आप चाहो तो ये यहाँ से आसान क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक और डायनेमिक, हालांकि यहाँ इसे पढ़ना ज़्यादा, इस 8 क्वेश्चन को पढ़ने के लिए लाने के लिए पढ़ना ज़्यादा आपको पड़ता है। ऐसे ही अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो तो इसमें केवल एक चैप्टर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर केवल एक चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन आपको 6-7 नंबर यहाँ पे दिला देगा, तो आप इसे तैयार कर सकते हो। और कुछ नहीं तो आप सिर्फ थ्योरी, छोटा सा पार्ट है, आप इसे तैयार कर सकते हो, मतलब इन दोनों को अगर तैयार कर लोगे तो 14-15 यहाँ पे हो जाएगा, मतलब आपके 84-85 पहुंच गए इन दो चैप्टर को तैयार करते हो। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो भाई आप जनरल मैथ्स एग्जाम में तैयारी करते ही रहते हो, यहाँ से भी आप अरिथमेटिक से क्वेश्चन उठा सकते हो, या आपके पास इतने सारे टॉपिक बचे हुए हैं, ये हो गया स्टैटिक, हो गया डायनेमिक, हो गया वेक्टर एनालिसिस, हो गया वेक्टर एनालिसिस से भी काफी क्वेश्चन, एक बार तो 15-15 क्वेश्चन 15-11 पूछ लिया गया था पिछली बार की बात करें तो आप वेक्टर एनालिसिस भी तैयार कर सकते हो, और केवल इतना चैप्टर आपको कट ऑफ पार करवा देगा, इवन आपका सिलेक्शन करवा देगा। तो सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो ये आप अच्छे से एनालिसिस देख लीजिएगा, मैं आपसे बोलता हूँ क्योंकि तैयारी आप जब शुरू करो तो ये देखो कि किससे कितना ज्यादा पूछ रहा है, और मैंने आपको बताया है एक्सपेक्टेड सबसे ज्यादा किससे किससे होगा, तो आपको कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा पढ़ने हैं जो एकदम कंफर्म, इससे एक भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, तो वो आप देखते रहो। एक आपका स्टेटिस्टिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आप इसे देखते रहो, बीजगणित एक चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, सारणिक, और सारणिक में केवल ये मैट्रिक्स और एपीजीपी, मतलब दूसरा चैप्टर आपको मैट्रिक्स पढ़ना है, तीसरा चैप्टर आपको एपीजीपी पढ़ना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेट थ्योरी, चौथा चैप्टर आपको सेट थ्योरी पढ़ना है, फिर आप इसे देखो रियल एनालिसिस में, अब मैं इसमें बता दूं रियल एनालिसिस में आपको लिमिट और कॉन्टिन्यूटी ये आप केवल पढ़ लो, ठीक है ना, ये पांचवा चैप्टर बोलूंगा, उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स नंबर बोलो छठवां चैप्टर, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट आप ज्योमेट्री चाहे ना छुओ, इसके क्वेश्चन बहुत बेसिक होते हैं, 3D पढ़ोगे तो 2D ये वाली ज्योमेट्री आप 2-4-5 में से एक दो क्वेश्चन वैसे ही करके चले आओगे, तो 3D आप जरूर पढ़ो, सातवां चैप्टर, यहाँ से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशियल आपका लगभग डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर, पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसमें भी TGT में तो केवल आपका डिग्री और ये पूछता है ना, कोट ही पूछता है, घात पूछता है, जबकि PGT में थोड़ा अच्छा पूछता है, और ये मैं वही चैप्टर बता रहा हूँ जो आपको PGT में भी सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। तो आठवां चैप्टर आप कैलकुलस पढ़ लो, जिसमें इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद आप एक वेक्टर एनालिसिस, मतलब 9 चैप्टर पढ़ लोगे तो आप कम से कम 105 प्लस क्वेश्चन करने के सक्षम हो जाओगे। अब आपको स्टैटिक हो गया, कौन कौन सा चैप्टर छूट रहा है, स्टैटिक हो गया, डायनेमिक हो गया, उसके बाद देखा जाए ज्योमेट्री हो गया, उसके बाद देखा जाए, हाँ आप ये नहीं पढ़ना चाह रहे हो वेक्टर एनालिसिस तो आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, एक चैप्टर है, हालांकि थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री, और मैं अगर इसको कंपेयर करूं, ठीक है, हाँ इसे वेक्टर एनालिसिस को, तो वेक्टर एनालिसिस ज्यादा आसान है, कारण क्या है, उससे क्वेश्चन ज्यादा आसान पूछता है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन टफ पूछता है तो चैप्टर आसान, आप पहले भी पढ़ते आ रहे हो, लेकिन उससे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा इनवर्स और उसके होते हैं थोड़े से टफ होते हैं, और कई बार उसमें मिसलिनियस कॉन्सेप्ट मिला देता है, जैसे बोल देगा कि उसके एंगल AP सीरीज में है, या उसे कोऑर्डिनेट से रिलेट कर देगा, या फिर उसको लॉगरिथम से रिलेट कर देगा, तो उसमें 3-4 मिक्स कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा टफ बना देता है, जबकि वेक्टर एनालिसिस केवल वेक्टर लेके आता है, वो सीधा पूछेगा इसका डॉट प्रोडक्ट क्या है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, इस वेक्टर का फंक्शन ये दिया हुआ है तो यहां पे क्या होगा, ऐसे आपसे पूछता है, तो ये आप वेक्टर एनालिसिस ट्रिग्नोमेट्री की अपेक्षा पढ़ सकते हो। लेकिन अंततः मैं ये बोलूंगा कि भैया वैकेंसी बहुत कम है, और ये आपको कुछ छोड़ना नहीं है, पढ़ना सब है, किंतु इन टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, टाइम देना है, और यहां से आपको पहले ही ठान लेना है कि मेरा एक भी क्वेश्चन क्या हो जाए यहां से गलत ना हो, ठीक। तो ये TGT की एनालिसिस है, PGT की एनालिसिस मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, इसका PDF मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, है ना, लगभग इसमें एक बार आप ये देख लो कि इसका क्या है, सिलेबस क्या है, तो इसमें भी बीजगणित सारणिक हो गया, ये डिटरमिनेंट अलग दे दिया, आप व्यू जिसे बोलते हैं, समुच्चय सिद्धांत व संक्रियाएं, सेट थ्योरी, समूह सिद्धांत मतलब ग्रुप थ्योरी अलग दे दिया, रैखिक गणित मतलब लीनियर अलजेब्रा दे दिया, यहाँ पे रैखिक रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिटरमिनेंट दे दिया,
ठीक है, निर्देशांक ज्योमेट्री 3D यहाँ पे दे दिया, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूँ तो त्रिकोणमिति मतलब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री दे दिया, उसके बाद फंक्शन कलन अलग दिया है, और इसने बहुत अच्छा किया, फंक्शन फंक्शन में ही लिमिट, फंक्शन में ही आपका कंटिन्यूटी, कायदे से ये सब फंक्शन के ही पार्ट है, रियल एनालिसिस के पार्ट नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसने पीजीटी का सिलेबस थोड़ा ज्यादा अच्छा है। समाकलन गणित, अवकलन गणित और सदिश विश्लेषण, स्थिति विश्लेषण, गति विज्ञान। लेकिन अगर देखा जाए तो टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस हूबहू सेम है, प्रश्न भी हूबहू पूछता है, अंतर केवल इतना है कि बस टीजीटी, देखो इसमें भी क्वेश्चन की संख्या 125 होती है, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी 125 होती है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या होता है, चार नंबर का होता है, एक क्वेश्चन चार नंबर का होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन 3.4 नंबर होता है। कारण क्या है, यहाँ पे केवल 85% वेटेज लिया जाता है, क्योंकि इसमें आप क्या होगे, इसके बाद सीधा सेलेक्ट हो जाओगे एग्जाम क्लियर करने के बाद, यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, और इंटरव्यू के साथ साथ अगर आपके पास कोई अधिमानी अर्हता है तो उसके भी नंबर आपको जुड़ते हैं, जैसे अगर आपके पास बीएड है या आप पीएचडी हो तो अधिमानी अर्हता के नंबर आपको जुड़ते हैं पीजीटी में, बात समझ में आ रही है। तो इसलिए यहां तक रिटन लेवल तक तो कॉम्पिटिशन सेम होता है, क्योंकि भले ही कोई पीजीटी पीएचडी किया हो, भले ही कोई बीएड किया हो, अगर यहाँ पे नहीं क्लियर हुआ तो वो आपको कंपटीशन देगा ही नहीं, तो क्लियर करेगा तभी कंपटीशन देगा, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी 15% वेटेज मायने रखता है, तो कहीं ना कहीं पीजीटी में जिनके पास बीएड नहीं होता या जो पीएचडी नहीं होते हैं उनको थोड़ा दिक्कत होती है, पीएचडी और बीएड वालों को इसमें थोड़ा पीजीटी में रिलैक्सेशन रहता है, लेकिन उन्हीं का नंबर भी इंटरव्यू में एक चरण भी उनका होता है इंटरव्यू, ये भी समझना। टीजीटी निकालना आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको केवल रिटन देना है, और आपको मैं तरीका बता दूंगा क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको हो जाएगा। तो टीजीटी के विश्लेषण के बाद मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तमाम कोर्सेस आपके चल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उससे पहले मैं आपको किताबें बताऊंगा, ठीक है ना, आप किसी भी कोर्स से जुड़ सकते हो। एक तो आपको प्रीवियस ईयर लेना है तो आप ये ले सकते हो, ठीक है ना, यूथ पब्लिकेशन है, मैं साथ में आपको लिखता भी जाऊं, ठीक है ना, ये यूथ पब्लिकेशन है। यूथ पब्लिकेशन में आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपको केवल क्वेश्चन देखना है, इसमें क्या है, एक सस्ती किताब है थोड़ा, ठीक है ना, घटना चक्र से सस्ती है, और टीजीटी पीजीटी के अलावा इसमें अन्य एग्जाम के भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, और कई बार देखा गया है जीआईसी वगैरह के भी क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में हूबहू पूछ लिए गए, इसलिए आप यूथ लीजिए, वरना आप थोड़ा घटना चक्र भी ले सकते हैं, वो आप जिस पे आप पसंद जो आप पसंद करते हैं वो ले सकते हो, प्रीवियस ईयर होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले यूथ में गलतियां होती थी, बट यूथ ने थोड़ी सुधार की, अब गलतियां भी नहीं होता है। लेकिन मेन होता है कि हम चैप्टर्स को कैसे पढ़ें, तो सबसे बड़ी बात आती है कि अरिथमेटिक वाला, तो अरिथमेटिक वाले के लिए कोई आपकी स्पेशल किताब नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो तो आपका आर एस अग्रवाल बेसिक किताब आती है अंकगणित की, वो आप पढ़ सकते हो, उसमें से जो आपका सिलेबस दिया है वो आप पढ़ो। तो अरिथमेटिक के लिए आपको क्या पढ़ना है, एरिथमेटिक के लिए आपको आर एस अग्रवाल पढ़ना है, लेकिन आपको कायदे से इतनी किताबें पढ़ भी नहीं पाओगे, उससे कहीं अच्छा है मैं अगर आपके साथ हूँ, आप मुझसे जुड़े हो तो निश्चिंत हो, सैकड़ों बच्चों ने एडमिशन ले लिया है, आप एकदम परेशान मत हो, आपके साथ मैं हूँ, और एक एक चीज बहुत जबरदस्त तरीके से, ये जितने भी आपके रेफरेंस किताबें हैं वो सब, और सबसे अच्छी बात जानते हो क्या है, कि जो आपका टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूरा आपका आईआईटीज और आईआईटीज वाले क्वेश्चन टाइप में पूछे जाते हैं, और कहीं ना कहीं जो मेरा अनुभव है वो कहीं ना कहीं उसी लाइन में है, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। हालांकि अगर आप खरीदना चाहते हो तो आर एस अग्रवाल ले लो, वरना आपको परीक्षा प्लस का जो नोट्स है उससे बेहतर कुछ नहीं है, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा, ऐसे आपको सब कुछ करने के लिए मैं आपको दिखा दूं, करीबन ये इतनी किताबें आपको लेनी पड़ेंगी, इतनी किताबें तब आपका जाएगा, अगर आप जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताना चाह रहा हूं, जो सब कुछ बताना चाह रहा हूं तब, लेकिन अगर आप केवल परीक्षा प्लस से जुड़ते हो तो आपको बहुत स्मूथली नोट्स शॉर्ट ट्रिक्स और सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा, वो भी मात्र 899 की फीस में, जो मेरा प्रयास है भाई। सिंपल सी बात है, दो चीजें हैं, या तो आप जाओ अपना खुद रिसर्च करो, खुद आपका ट्रेंड एनालिसिस बनाओ, खुद देखो कौन सी किताब बेहतर है, उसके बाद किताब लेके आओ, खुद समझो, और जीएस तो है नहीं कि आप इसे अपने आप से पढ़ लिए, मैथ से कुछ चीज आपको समझ में नहीं आएगी तो आप करोगे क्या, तो इस कारण से मैं बोलता हूं कि 899 इज नॉट अ बिग डील, आप उसमें कर सकते हो। परीक्षा प्लस किसी भी संस्थान का देखा जाए तो 10% 15% ही फीस है, उनके ऑफर के बाद हमारा 10% 15% है, ये आप देख सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं तो जैसे एलजेब्रा वाला जो पार्ट है, और एलजेब्रा में अगर देखो, जैसे मैंने आपको ये ट्रेंड एनालिसिस में दिखाया है, ठीक है ना, इसमें ये इस वाले पार्ट में देखो, अगर मैं आपको पीजीटी वाले में दिखाऊं तो, है ना, एलजेब्रा वाले पार्ट में मैंने इतने टॉपिक को अलग किया है, जैसे समीकरण सिद्धांत, मूलों का सममित हो गया, है ना, मतलब कि
आपका थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन हो गया, एपी जीपीएसपी स्क्वायर क्यूब सीरीज हो गया, क्रमचय संचय हो गया, मतलब पीएनसी हो गया, उसके बाद बाइनोमियल हो गया, ईएक्स लॉगस और प्रोबेबिलिटी। अगर ये वाला पार्ट आप कवर करना चाहते हो तो ये आपका संजय मिश्रा का पियर्सन पब्लिकेशन का ये एलजेब्रा पार्ट सेकंड है, ये किताब आप फॉलो करो, ठीक है ना। इंग्लिश में किताब ऐसे हिंदी नहीं मिलेगी, लेकिन आप जब इंग्लिश में ही पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि हिंदी मीडियम में कोई भी किताब बहुत अच्छी है नहीं, इसमें सारे कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, ट्रिक्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, जैसे सारणिक वाला हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, ग्रुप थ्योरी हो गया, ठीक है ना, और ये आपका रूपांतरण आव्यूह हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, कोनिक वगैरह, 3D वगैरह, ये आपके आप इस चैप्टर से पढ़, इस किताब से पढ़ सकते हो, एलजेब्रा 1 पियर्सन पब्लिकेशन की, संजय मिश्रा की। मतलब इन इतने पार्ट को आप कवर करने के लिए आपके पास दो किताबें होनी चाहिए, पियर्सन की एलजेब्रा 1, एलजेब्रा 2 सेम राइटर की है, संजय मिश्रा की। उसके बाद अगर आप त्रिकोणमिति में जाना चाहते हो, ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये आपकी अमित एम अग्रवाल की, ये अरिहंत पब्लिकेशन है, लेकिन IIT की किताब है, जेई मेंस एंड एडवांस आप दे सकते हो, बहुत जबरदस्त किताब है। अमित एम अग्रवाल की किताब आती है प्ले विद ग्राफ, बहुत जबरदस्त किताब ने लिखी है, और बच्चा बच्चा उन्हें जानता है जो IIT की तैयारी करता है, जैसे एसएल लोनी हो गए, है ना, आपके अमित एम अग्रवाल हो गए, उसके बाद इरोडो हो गई फिजिक्स, ये सब किताबें बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। तो ये वैसे अरिहंत बाकी एग्जाम में तो एकदम खिचड़ी कर देता है, बहुत गंदा करता है, लेकिन जेई एडवांस और जो मेंस है इनमें बहुत अच्छा करता है, जो जेई मेंस है यही आपका AITEE हो गया, समझिएगा। तो अरिहंत की अमित एम अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्री ले सकते हो, और कैलकुलस के लिए भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अमित एम अग्रवाल की, अरिहंत पब्लिकेशन की, ये दोनों किताबें हैं। तो किताबें ये है, हालांकि इतनी किताबें आपको 7-8 किताब मैं आपको बता दूं कौन कौन से राइटर हैं। यहाँ पे RS अग्रवाल हो गई आपके अरिथमेटिक के लिए, उसके बाद अमित एम अग्रवाल हो गए, ये आपके किसके हैं, अरिहंत के हैं, ठीक है ना, अरिहंत के राइटर हैं। ये आपके कौन से पार्ट कवर करेंगे, ये कैलकुलस वाला पार्ट कवर करेंगे, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री वाला पार्ट ये आपका कवर करवा देंगे। उसके बाद आप पियर्सन पब्लिकेशन की, संजय मिश्रा, ये बहुत जबरदस्त पब्लिकेशन है पियर्सन पब्लिकेशन की, संजय मिश्रा, ये जेई मेंस वाली किताब है, इनकी आप ले सकते हो, ये आपके एलजेब्रा 1 एलजेब्रा 2 कवर करवा देंगे, मतलब बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक है, रिमेनिंग टॉपिक आपकी इनके से तैयार हो जाएगी, ठीक है। ये आपके मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इतनी किताबें आपको चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5 किताबें, 6 किताबें आपको चाहिए, बाकी प्रीवियस ईयर आपको चाहिए चाहिए, और इन सबके अलावा आपको केवल एक किताब चाहिए। अगर आप ये सब नहीं लेना चाहते हो तो यही TGT मैथ्स की किताब आपके लिए परीक्षा प्लस की मोर देन सफिशियंट है। ये किताब नोट्स टाइप में, जब आप, मैं ऐसे मार्केट में नहीं इसे अभी पब्लिश करूंगा, तुरंत ही कोर्स चलता रहेगा, आप क्लास करते रहोगे, और क्लास में ही आपको चैप्टर वाइज जैसे पढ़ाता जाएंगे वैसे उस चैप्टर को आपको देते जाएंगे, आप उसे प्रिंट करवाते जाइए, इस हिसाब से पूरा का पूरा मॉड्यूल चलेगा। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा कि कोर्स से जरूर जोड़ो, PGT की सारी चीजें हम लोग कर लेंगे। एक चीज आप समझ लेना कि आप पर्याप्त बड़े हो, प्रोफेसर बनने जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हो, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है आपके लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, कौन सी संस्थान बेहतर है कौन सा नहीं है। मैं कभी इन चीजों को नहीं बोलूंगा, लोग बोलेंगे 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल के एक्सपीरियंस में आप ये बोलो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना है, जो 20 साल पहले चीजें पढ़ लिए थे उसके बाद उसमें कोई चीज चेंज नहीं हो रही है और वही आपको पढ़ा रहे हैं। ज्यादा बेहतर चीज है कि आप थोड़ा रिसर्च करो, ज्यादा अच्छे से पढ़ो, ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट पे जाओ, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद कॉन्सेप्ट से बनता है ट्रिक। और आपके, अगर मैं बताऊं कि आपके 125 है क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन केवल गो थ्रू ऑप्शन लग जाते हैं, है ना, लोग पता नहीं कौन कौन से तरीके से आपको पढ़ाते रहते हैं कि 70 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन में मैं आपको केवल गो थ्रू ऑप्शन मतलब विकल्प देखोगे और आप उससे हल कर लोगे, बाकी आप शॉर्ट ट्रिक्स पुटिंग द वैल्यू मेथड, कम से कम 125 में से 20 से 25 क्वेश्चन पुटिंग द वैल्यू मेथड से कर लोगे, लेकिन ये दोनों गो थ्रू ऑप्शन और पुटिंग द वैल्यू मेथड दोनों तब कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मजबूत होगा। तो उम्मीद है कोर्स में आप सभी से मैं मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। अगर आपको चीजें समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछें, और यदि आपका कोई मित्र तैयारी कर रहा है, वो चाहे TGT मैथ्स की बात करें या फिर तमाम विषय हम लोग चला रहे हैं, या आप देख सकते हो TGT PGT की, इनमें से कोई भी विषय की तैयारी कर रहा है तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हो, सामाजिक विज्ञान के, विज्ञान के, भाषा के, लगभग सारे विषय के सारी कोर्सेस यहाँ पे परीक्षा प्लस पे अवेलेबल है, और सबसे अच्छी बात है TGT के सारे बैचेज 899 में ही अवेलेबल है, कोई अतिरिक्त आपके लिए शुल्क उसमें नहीं है। बाकी कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे जरूर बताएं, कमेंट में जरूर करें, फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।